Assalamualaikum students of grade 4, hope you all are fine. Today I am conducting your maths class, but today I am discussing about copyright. Okay, till today is 21st August 2020, and till today I didn't receive single copyright. Okay, I received some students worksheets but didn't receive proper copy, proper book working. So today I am discussing about copy work, say how will you maintain your copy. Okay, so स्कूल में जब आप लोग थे, जब भी आप लोगों ने कॉपी वर्क किया है, आपको सबको पता है किस तरह से मैथ्स कॉपी प्रिपेयर करते हैं. और थ्री के जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली वो जो थ्री से फोर में आए हैं अभी, तो उनको वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो मैंने उनको टू क्लास में भी आई थिंक पढ़ाया है. और तो अभी देखते हैं कि किस तरह से आप लोग कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉपी वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग थर्सडे तक या जो भी आपको जब भी टाइम पॉसिबल है, मंडे टू फ्राइडे आप मुझे चेकिंग के लिए कॉपी भेज सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सिलेबस इन योर कॉपी फर्स्ट पेज आफ्टर मेंटेनिंग योर मिड टर्म पेज यू हैव टू राइट सिलेबस. सो आर यूनिट नंबर वन इज होल नंबर, यूनिट नंबर टू इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यूनिट नंबर थ्री इन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड यूनिट फोर फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई. तो ये तो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, बट यू हैव टू राइट लाइक दिस, यू हैव टू राइट योर सिलेबस लाइक दिस इन योर कॉपी. देन यू विल मेंटेन, यू विल मेक होल नंबर, यूनिट नंबर वन होल नंबर टाइटल पेज. देन यू हैव टू डू वर्क ऑन योर ओन पेज नंबर वन, सॉरी ऑन योर ओन एक्सरसाइज 1.1 इन योर कॉपी. क्वेश्चन नंबर वन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स, इन न्यूमेरल्स में लिखने हैं. ये लेक्चर जा चुका है, इसके बाद न्यूमेरल्स को वर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ये वर्क आपको कॉपी में करना है. देन आपको रोमन नंबर्स का एक टाइटल पेज बनाना है. रोमन नंबर्स 1 से 20 तक आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. रोमन नंबर्स का काम, ये काम जो रोमन नंबर्स का हमने बुक में भी किया, एज इट इज वर्क जो है हम कॉपी में करेंगे. ठीक है, सिलेबस के बाद टाइटल पेज होल नंबर चैप्टर का. देन यू हैव टू राइट 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आप मेंशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद रोमन नंबर टाइटल का पेज बनाएंगे, उसके बाद रोमन नंबर लिखेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी कॉपी में करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है ये बुक में हमने सॉल्व कर लिया है. रोमन न्यूमेरल्स का सीक्वेंस जो करना है अरेबिक न्यूमेरल्स का, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अरेबिक न्यूमेरल से इक्विवेलेंट रोमन न्यूमेरल से ये आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे. ए बी ए टू जे क्वेश्चन है, यानी 20 को आपने रोमन नंबर्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? एक्स 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 मीन्स 10 एंड एक्स मीन्स 10, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये वर्क आपको कॉपी में करना है. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. उसका मैंने आपको अभी जो है वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने आपको करवाए हैं, तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 22 से वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4, 5 एंड 6 आपको जो है अपनी कॉपी में उतारनी है, उसके बाद उसको कॉपी में करनी है. ठीक है, ये छोटा सा वर्क है, उसके बाद जो बुक वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है. देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैंने आपको बताया था, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपकी वर्कशीट भी है जो आपकी कॉपी में आपकी स्टेपल हो जाएगी. उसके बाद कंपेयरिंग नंबर, ये भी आपकी बुक में, लेकिन लास्ट जो नंबर था, अरे लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको अपनी कॉपी में करना था. तो ये तमाम वर्क जो है आज की क्लास इसलिए रखी गई कि आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए मैं आपको पूरी कॉपी मेंटेन जिस तरह से करनी है उसको समझा दूँ. सो प्लीज़ अपनी कॉपी को मेंटेन कीजिए, और फ्राइडे तक या थर्सडे तक ये कोशिश कीजिए कि आप इसको सबमिट करवा दें. ठीक है, सो उसके बाद जो है आपके पास उसके बाद आपका होम असाइनमेंट क्या है कि कंप्लीट योर मैथ्स प्रीवियस वर्क, आज का आपका होम असाइनमेंट है. और जो है कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ, आपको समझा दूँगी. जिस तरह से मेरे पास इब्राहिम शाहिद आए थे स्कूल, उनको कुछ असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा था, तो इब्राहिम शाहिद को जो है वो मैंने समझा दिया था. इसके अलावा जो है
ग्रेड 4 के उजैफ आए, उन्होंने उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उनको समझा देता। तो अगर आपको इस तरह से कुछ कुछ वर्किंग में कंफ्यूजन है, कुछ वर्कशीट समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको ऑनलाइन, सो जिस तरह से इब्राहिम आए थे तो उस तरह से आप भी स्कूल आ सकते हैं। मैं आपको समझा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करके आप जो है सबमिट करवा दीजिए। वर्कशीट मैं आपको नहीं दे रही क्योंकि हमारी बुक भी ऑलरेडी ऐसी है कि हम उसमें बुक में जो है अपना वर्क जो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक कोई भी जो है कॉपी लेके उसके अंदर जो है अपना मैथ्स वर्क जो है वो स्टार्ट कर दें उसको मेंटेन करके, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट जो है वो कॉपी जो जो वर्क जो है करके मेंटेन करके सबमिट करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी मैथ्स की, तो उससे पहले थर्सडे तक तमाम काम मेरे पास आ जाना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे हैं उसको भी कवर कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।